So guys, today I'm gonna show you how to make a frog, origami frog. तो हम लोग को अगर origami frog बनाना है तो हम मैं जैसे कि मोस्टली ग्रीन पेपर से बनाएंगे तो आपका frog ज़्यादा attractive लगेगा क्योंकि frog color mostly green होता है. So हम लोगों को इस craft के लिए बहुत कम paper की ज़रूरत पड़ेगी. हम लोगों को ये square paper है, इस square paper से हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक छोटे सी भाग की ही ज़रूरत है. तो पहले हम लोग स्केल लेंगे और स्केल से पहले मेजरमेंट करेंगे कि हम लोग का ये दोनों चीज़ें इक्वल हो चाहिए. ठीक है, सो लेट्स मेजर इट. सो इधर से मेजर करेंगे तो जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इक्वल नहीं है तो हम लोग इसको पहले मार्क करेंगे. तो ऐसे एक लाइन खींच लेंगे. उसके बाद इस लाइन को हम लोग इसी लाइन के अकॉर्डिंग काट लेंगे. तो ये एकदम स्ट्रेट कट किया है. इसी की तरह हम लोग यहाँ पे भी लेंगे और यहीं पे ऐसे करके स्ट्रेट एंड खींच लेंगे. सिर्फ यही एक ऐसा ओरिगामी आर्ट है जिसके लिए बहुत कम पेपर की ज़रूरत पड़ती है. तो ये बहुत इजीली बन जाता है और ये जंप भी कर सकता है फ्रॉग. ये तो मैं बता आपको बताना भूल ही गई, दिस इज़ अ वर्किंग क्राफ्ट राइट. और ये बहुत इजी है, फन है मेकिंग और सबसे बड़ी बात ये जंप करता है तो ये बहुत क्यूट लगता है. सो ये भी एक स्ट्रेट लाइन कट गया है. थोड़ा सा कुछ इसमें फिनिशिंग दे देते हैं वरना गंदा लगेगा. उसके बाद जब ये बन जाएगा हम लोगों को इसको बीच से डिवाइड करना है. ओके, सो पहले हम लोग इसको बीच से डिवाइड कर लेंगे. ओके, तो ये जब बीच से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर शेप में है कि रेक्टेंगल शेप में है. तो ये रेक्टेंगल शेप में है तो इसीलिए हम लोग इसको स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे. ओके, सो ये भी स्क्वायर शेप में आ चुका है परफेक्ट. और अब हम लोग एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी और स्केल से ही हम लोग इसके क्रीज से क्रीज मिला के ऐसे मोड़ लेंगे. इसी तरीके से ये ऐसे मुड़ जाएगा, एकदम क्रीज पे मोड़ना है. ठीक है, सो इससे ये इक्वल लगेगा. और उसके बाद फिर हम लोगों को इसके दूसरे क्रीज पे भी ऐसे ज्वाइन कर देना है. ठीक है, फिर यहाँ पे पेपर लेफ्ट ओवर बच रहा है, हम लोग इसको भी कट कर लेंगे. इसमें कटिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इसमें कम पेपर की ज़रूरत पड़ती है इसलिए. उसके बाद हम लोग ऐसे ही इसके यहाँ पर स्केल रखेंगे और स्केल से क्रीज मिलाते हुए फोल्ड कर लेंगे. देख रहे हैं हम लोग ऐसा कुछ क्या दिखा दे रहा हो कैमरा में, ये ऐसे क्रीज से क्रीज मिलके ये ऐसे फोल्ड होता है. तो इसी तरीके से हम लोग इधर भी कर लेंगे, क्रीज से क्रीज मिला के फोल्ड कर लेंगे. ये हो गया. तो अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोगों को इसे इसके बाद हम लोग इसको यहाँ से मोड़ लेंगे. ठीक है, और इसी तरीके से इसको यहाँ से भी मोड़ लेंगे. तो ये अभी बन जाएगा ऐसे. तो हम लोग इसको हल्का सा ऐसे पिंच करते हुए इसको ले जाएंगे और यहाँ पे ऐसे मोड़ लेंगे. ओके, और इसके बाद हम लोग यहाँ से भी ऐसे ही पिच करते हुए ले जाएंगे इसको और यहाँ से भी मोड़ लेंगे. तो ये शेप बन जाएगा. ठीक है, ये शेप बन गया. अब इसी को आराम से धीरे धीरे ऐसे करके यहाँ पे फोल्ड लगा देंगे. एक ऐसे ही दोनों तरफ से कर लेंगे हम लोग, इधर भी कर लेंगे ऐसे. सो वही चीज़ हम लोग को देखना है कि डबल तरफ एकदम सेम टू सेम रहे, अलग अलग ना लगे. ये ऐसे गाइस आप लोग कमेंट करिए कि
अब मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन से पे बनाना चाहिए ताकि मैं उसी पे वीडियो बना सकूँ। फिर इसको यहाँ से पीछे करके ऐसे कर लेंगे फोल्ड, और लास्ट में हम लोग इसको ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे। सॉरी, इसको ऐसे फोल्ड करना है। सॉरी, आई एम सॉरी रियली गाइज, मैं भूल गई थी थोड़ा सा। हाँ, ऐसे करके ये फोल्ड कर लेंगे, और इसी की तरह हमारा फ्रॉग रेडी है। आप देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है ना। ओके गाइस, देखिए यहाँ पे ये ऐसे कुछ शेप बनना चाहिए, ठीक है। और ये इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ लास्ट स्टेप बचा है कि ये जो जो यहाँ पे दो दो पॉइंट बन रहा है ताकि आपका फ्रॉग जंप कर सके, इसके अंदर इसे घुसा देना है, ठीक है। ऐसे हल्का सा पिंच करते हुए इसको घुसा देना है, और इधर से भी यही चीज़ करना है। इसको थोड़ी मेहनत लगती है क्योंकि ये ओरिगैमी पेपर नहीं है, ये मैंने क्योंकि ओरिगैमी पेपर में ये शेड जल्दी मिलता नहीं है इस ग्रीन कलर का, इसीलिए मैंने इसे नॉर्मल A4 साइज़ पेपर से बनाया, कलरफुल पेपर से। इसीलिए थोड़ा सा मेहनत पड़ रही है कलर इसको थोड़ा जोड़ने में, पर आप लोग थोड़ा सा ताकत लगा के इसको ऐसे कर लीजिए। और देखिए ये देखिए जंप कर रहा है, देखिए ऐसे ऐसे पकड़िए, ऐसे दबाइए यहाँ से, और फिर इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। हो ये तो पूरा ही लेट गया क्यूटी। और इसके बाद हम लोगों को इससे इसकी आइज़ ड्रॉ कर लेंगे, प्यारी प्यारी आइज ऐसे। ओ कितना क्यूट है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और ऐसे आपको अगर वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।